Good morning students, welcome to Maths class Standard 4. We will continue our chapter 14 Smart Chart. Okay, Smart Chart में previous video में हमने जो चपाटी चार्ट वाला था कि किसको कौन से क्लब पसंद है, तो गार्डन क्लब था, फिर गेम जोन था एंड था ड्राइंग क्लब. Okay, तो उसके related question answer कर लिए. आज हमारा जो चार्ट है वो getting wet in rain, मतलब बारिश में कितने student को भीगना अच्छा लगता है एंड कितने student को भीगना अच्छा नहीं लगता है. तो maximum children को rainy season में बारिश में भीगना अच्छा लगता है. Okay, तो यहाँ पे चार्ट के थ्रू हमें question answer complete करना है. Okay, तो मैंने यहाँ पे चार्ट draw करके रखा है एंड total student कितने हैं वो. If the number of children in the class is 28, children कितने हैं 28 है और हमें सिर्फ इतना बताया है कि children 28 है. And then chart के through हमें समझना है कि कितने student को wet होना पसंद है and कितने students को कि those who like wet in rain and those do not like to wet in rain. तो इतना जो portion है, one part जो है वो 1/4 part. ये part देख के आपको पता चल जाएगा कि कितना है. तो yes, हमने बहुत सारा सीखा है. तो यहाँ पे आएगा 1/4 part and ये जो है वो 3/4 part. Okay, तो 1/4 part do not like to wet in rain and 3/4 part those like to wet in rain. Okay, इसके according question है. Sorry, see the chapati chart and tell. See the chapati chart and tell. First है, how many children like to get wet in the rain? कितने children को wet होना पसंद है? Half, 1/4 और 3/4. तो answer क्या आएगा यहाँ पे? 3/4. Okay, 3/4 children को पसंद है. Next है, how many children do not like to get wet in the rain? तो answer आएगा 1/4. क्या answer आएगा? 1/4. Then next है question. जो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो रहा है. इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द क्लास इज 28 देन टेल द नंबर ऑफ चिल्ड्रन. ओके, हु लाइक टू गेट वेट इन द रेन. हु लाइक गेट वेट इन द रेन. ओके, क्वेश्चन. Who like get wet in the rain? किसको बारिश में wet होना भीगना पसंद है? Who like get wet in the rain? तो यहाँ पे हम करेंगे, तो total student हमें पता है 28. तो if total student children is equal to 28, so कितना है कि wet. यहाँ पे question who like get wet मतलब भीगना, तो कितना है 3/4 part. So 3/4 part of them is equal to question mark. Always हम करते हैं cross multiplication, but यहाँ पे आपको fraction वाला हमने already study किया हुआ है. Okay, तो यहाँ पे 28 multiply क्या आएगा, जो 3 ऊपर है तो वो यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 होगा एंड देन 4 डिवाइड में नीचे जाएगा. ओके, अब हमें क्या करना है, 28 मल्टीप्लाई 3. ओके, तो रफ वर्क कर लेते हैं हम. तो मैं यहाँ नीचे लिखती हूँ तो आपको इजी रहेगा. तो हम 4 को हम नीचे लेते हैं.
फिर आंसर क्या है हमारा कि 21 चिल्ड्रन लाइक टू गेट वेट. 21 चिल्ड्रन लाइक टू गेट वेट ओके इन द रेन ये पूरा इक्वेशन रख के हमें सम करना है. अभी इक्वेशन करने में तो कोई भी क्वेरी रहनी ही नहीं चाहिए क्योंकि हम लोग फर्स्ट चैप्टर से कौन से चैप्टर में आ गए 14 चैप्टर. तो हम सारे अब तक के सारे में हम क्या करें इक्वेशन रख के सम करें ओके. तो हु लाइक्स दैट रेड इन द रेन तो हमें पता है टोटल चिल्ड्रन है 28. So if total children is equal to 28, so 3/4 part of that is equal to how much? 28 multiply 3 divided by 4 करेंगे. 28 multiply 3 that means 84. 84 divided by 4 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 21. तो इस तरह से पूरा इक्वेशन करके सम कंप्लीट करना है. ओके नेक्स्ट सम करते हैं 2 नंबर मैं ये रफ कर दूंगी. ओके who do not like to get wet in the rain. जो है टी कॉफी एंड मिल्क ओके. तो सम चिल्ड्रन आर आस्क्ड व्हिच टी कॉफी एंड मिल्क ओके. टी कॉफी एंड मिल्क का तो यहाँ पे चार्ट जो है द ड्रिंक दे लाइक ड्रिंक लाइक एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन life and number of children. Okay, जो drink बच्चों को like है and कितने children को तो यहाँ पे milk, coffee and tea. Milk next है coffee. Number of children यहाँ पे
20, 10 एंड जो हमारे टेक्सटबुक में चार्ट है हम उसी के अकॉर्डिंग करेंगे. ओके, तो ये चार्ट है आपको दिया हुआ आपकी टेक्सटबुक में. ओके, चलो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, पहले तो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं, तो यहाँ पे हम फर्स्ट लिखेंगे. तो सम चिल्ड्रन वेर आस्क्ड व्हिच ऑफ दिस दे लाइक मोस्ट, टी, कॉफी और मिल्क. तो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज दिस, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज दैट. तो टोटल हम करेंगे तो 20 प्लस 10 प्लस 10 तो कितने हो जाएंगे 40. कितने हैं 40. ओके, देन नेक्स्ट है यहाँ पे फाइंड आउट फ्रॉम द टेबल, या टेबल्स के अकॉर्डिंग हमें ये फाइंड करना है. चिल्ड्रन हु लाइक मिल्क आर, तो ये अभी हम देखेंगे ना, तो 20 ओवरऑल कितने हैं 40 स्टूडेंट. तो अगर हम इसका चपाटी चार्ट बनाने जाएंगे इसके अकॉर्डिंग हमें क्या पता चलता है कि ये जो है तो 40 का हाफ पार्ट जो है, 40 का हाफ दैट मीन्स कितना 20, 40 का हाफ दैट मीन्स 20, तो दैट मीन्स हाफ पार्ट जो है वो क्या है, तो मिल. एंड इसका उसका भी हाफ आ है, तो ये यहाँ पे आएगा कॉफी एंड टी, दैट मीन्स ये 2/4 या फिर आप हाफ दोनों लिख सकते हो. यहाँ पे क्या है 1/4 एंड ये भी है कितना 1/4 पार्ट. तो 1/4 पार्ट लाइक 1/4 पार्ट ये कितना है हाफ पार्ट, ये 1/4 पार्ट एंड ये भी 1/4 पार्ट. ओके, हाफ पार्ट चिल्ड्रन लाइक मिल्क, 1/4 पार्ट चिल्ड्रन लाइक कॉफी एंड 1/4 पार्ट चिल्ड्रन लाइक टी. ओके, तो अभी चिल्ड्रन हु लाइक मिल्क आर सेकंड नंबर चिल्ड्रन हु लाइक मिल्क आर 2 1/2 ऑफ द टोटल चिल्ड्रन. चिल्ड्रन हु लाइक आर हाफ ऑफ द टोटल चिल्ड्रन, हाफ ऑफ द टोटल चिल्ड्रन. ओके, यहाँ पे कि ऑलरेडी यहाँ देखो प्रीवियस जो चार्ट था चपाटी चार्ट, वहां पे क्या था कि हमें चार्ट दिया था एंड टोटल चिल्ड्रन कितने हैं उतने दिए थे. ओके, यहाँ पे ऑलरेडी चार्ट में सारी चीजें लिखी दी थी, हमें सिर्फ पार्ट सर्च करना था. क्या सर्च करना है, पार्ट. तो कितने चिल्ड्रन, हाउ मच पार्ट, मैं यहाँ पे एक सर्च दिखा देती हूँ कि कितने पार्ट चिल्ड्रन को मिल्क पसंद है, कॉफी पसंद है एंड टी पसंद है. चिल्ड्रन हु लाइक कॉफी आर, चिल्ड्रन हु लाइक कॉफी आर, तो वो कितने पार्ट है, तो 1/4. ओके, 1/4 ऑफ द टोटल चिल्ड्रन. ओके, वैसे ही हम किसका बना सकते हैं, टी का. ओके, 4 नंबर चिल्ड्रन हू लाइक, हाउ मच पार्ट ऑफ चिल्ड्रन लाइक
टी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वन फोर्थ, ओके, या फिर वर्ड में भी लिख सकते हैं वन फोर्थ ऐसा, ओके। तो यहाँ पे आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बना सकते हो। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ पे सिंपल सा ऑलरेडी चार्ट में हमें दे दिए थे फिगर, इससे यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना था, पार्ट्स फाइंड करने। देखिए कितने पार्ट्स को स्टूडेंट को टी पसंद है, कॉफी पसंद है एंड मिल्क पसंद है, ओके। तो इसके अकॉर्डिंग मिल्क हाफ पार्ट को मिल्क है, वन फोर्थ पार्ट कॉफी एंड वन फोर्थ पार्ट टी, ओके। तो ये चैप्टर हमारा आज यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अभी एक्स्ट्रा थोड़ा सा है वो हम कंटिन्यू कर देते हैं, ओके, क्योंकि अभी टाइम है। आप अपना देख लीजिए, मैं दो मिनट साइड हो जाती हूँ। नेक्स्ट जो है मैं देखा, देर आर 500 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल। यहाँ पे चार्ट बनाया हुआ है, मैं बना लेती हूँ। और इन लोगों की डिफरेंट एक्टिविटी है, जैसे स्पोर्ट्स क्लब, साइंस क्लब एंड मैथ्स क्लब, जैसे हमने आगे किया था उसी तरह का, बट थोड़ा सा डिफरेंट है, ओके, चेंज हो गया है, ओके। तो मैं पहले चार्ट इंक्लूड कर देती हूँ। एंड देर आर 500 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, देयर आर 500 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, ओके। अभी चपाटी चार्ट बना लेती हूँ, ओके। यहाँ पे आपको इस तरह से दिया हुआ है, चपाटी चार्ट के थ्रू अब हमें क्वेश्चन आंसर फिल करने, ओके। तो यहाँ पे स्पोर्ट्स क्लब, इतने जो है वो स्पोर्ट्स क्लब फिर ये पोर्शन जो है वो मैथ्स क्लब एंड इतना पोर्शन जो है वो साइंस क्लब से जुड़े हुए, ओके, साइंस क्लब। तो ये चार्ट के थ्रू हम अब क्वेश्चन आंसर करेंगे, ओके। टोटल हमें पता है कि देयर आर 500 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, उसके अकॉर्डिंग चार्ट है। अभी चार्ट के थ्रू हमें पता चल रहा है कि हाफ पार्ट जो है स्टूडेंट्स को क्या पसंद है, स्पोर्ट्स क्लब। यहाँ पर वन फोर्थ पार्ट को कितना है, साइंस क्लब, एंड वन फोर्थ पार्ट को पसंद है मैथ्स क्लब, ओके। अभी उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है यहाँ पे, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन साइंस क्लब, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन साइंस क्लब, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे हाउ मेनी स्टूडेंट्स हमें फाइंड करना है कि टोटल, तो हमें पता है कि 500 स्टूडेंट्स हैं, तो साइंस क्लब में कितने हैं, ओके। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 500। अभी हमें साइंस क्लब का चार्ट के थ्रू पता चलेगा कि साइंस क्लब में वन फोर्थ पार्ट है, तो हम करेंगे यहाँ पे सो वन फोर्थ पार्ट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हाउ मच, ओके। तो इसका वन फोर्थ पार्ट करेंगे तो 500 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 4, तो 500 बन जा, तो 500 ही रहेगा, तो 500
now 4 ones are 4. 4 ones are 4. 5 minus 4 to bachega 1. Then ye 0 ko hum niche le lete. Dono 0 ko hume niche nahi lena hai. Okay? Abhi 4 ki table mein 10 bhi nahi aata hai. 4 ones are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12 ho jayega. To hum yahan pe kya karenge? 4 2s are 8. अभी 10 माइनस 8 करेंगे, 10 माइनस 8 करेंगे तो कितने लेफ्ट रह जाएंगे? 2, ओके, तो यहाँ पे आएगा 2. अभी 2 के बाद भी यहाँ ये वाला 0 नीचे लेना पड़ेगा, ओके, जो लेफ्ट है उसे लेना पड़ेगा. तो अभी आया 20, तो अभी 4 की डबल में 20 आता है, तो यस, 4 5 आ 20, 20 माइनस 20 00 तो हम हमें आंसर मिल गया कितना तो 125 स्टूडेंट्स. तो आंसर हमें हाउ मच स्टूडेंट्स आर देयर इन साइंस क्लब. तो देयर आर 125 स्टूडेंट्स इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 5 प्लस 5 10 और मतलब 10 का 0
जोड़ लीजिए, वन होगा ऊपर कैरी, टू प्लस वन थ्री, थ्री प्लस टू फाइव एंड वन प्लस वन टू, दैट मीन्स 250 स्टूडेंट्स, 250 स्टूडेंट्स, ओके, तो ये हो गए। तो इस तरह से ये थ्री क्वेश्चन कंप्लीट हुए। इस चार्ट में और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं कि अभी हाउ मैनी चिल्ड्रन आर देयर इन स्पोर्ट्स क्लब, वो वाला सम करना बाकी है। देन नेक्स्ट आएगा हाउ मैनी टोटल स्टूडेंट्स आर देयर इन स्पोर्ट्स एंड साइंस, तो ट्विस्ट करके क्वेश्चन आ सकते हैं चार्ट में जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर है। तो इस चार्ट के एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट पीरियड में कंटिन्यू करेंगे, ओके। तो आज का ये चैप्टर मैं अभी यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। इसी चार्ट के स्पोर्ट्स क्लब, साइंस क्लब एंड मैथ्स क्लब के चार्ट के और भी क्वेश्चन आंसर है, तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा हमारा, 30 मिनट से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए ये वाला हम नेक्स्ट पीरियड में कंटिन्यू करेंगे, ओके। तो आज का ये चैप्टर यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। थैंक यू सो मच।